दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे सबसे बेहतरीन प्रोग्राम मल्टीबैगर खोज, है ना। ये हम एक अभियान चला रहे हैं ना मल्टीबैगर, जो इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफ हो। सेफ हो मतलब कि जो आदमी हमारे जैसे अभी तक जितने आपने प्ले लिस्ट में देखे होंगे जितने भी स्टॉक हैं वो कभी डूबने वाले में से नहीं है दोस्तों, है ना। ये आपको माला माल करके जाएंगे। तो आज का स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा जो नया स्टॉक है उसको बताने से पहले दो तीन चीज़ आपको माइंड फ्रेश करते हैं। दोस्तों पता है इंडिया में जितने भी स्कीम क्यों होते हैं, जितने भी जैसे सहारा डूब गया, पर्स ग्रीन डूब गया और शारदा स्कैम हो गया, बहुत सारे आप कंपनियों में देखते होंगे कि डूब जाते हैं लोग। जो डूबते नहीं हैं, लोग अपना पैसा जाके डुबो देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्या? लालच। जी हाँ, लालच। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हर आदमी को दो का चार करना है। दो का चार तुरंत चाहिए, है ना। दो का चार चाहिए दो मिनट में, लेकिन बाद में होता है वो 9-2-11 हो जाता है। तो ये लालच क्या है? तो अभी भी देखिएगा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में पेनी स्टॉक खोजते हैं। पेनी स्टॉक भैया, 2 रुपये का स्टॉक मिल जाए 2000 बन जाए, हैं 1 रुपये का, 3 रुपये का, जिसके माई बाप का ठिकाना नहीं, इसके घर का ठिकाना नहीं, इसके दुकान का ठिकाना नहीं, और ऐसे लोग खरीद लेते हैं दोस्तों। तो इस टाइप पर जो भी आप सोच रहे होंगे मल्टीबैगर वगैरह, छोड़ दीजिए पूरा चीज़ और सिर्फ हमारे चैनल में एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दावा है, हमसे हमारी बात में विश्वास मत करिए, दुनिया की बात में विश्वास करिए। ऐसा चीज़ बताएंगे, ऐसा शेयर बताएंगे, पूरी दुनिया आपको आँख बंद करके आपको विश्वास करना पड़ेगा। और आप ये देश जब तक रहेगा, देश के शासन जब तक रहेगा तब तक ये कंपनियाँ रहेगी, नोट कर लीजिए। और मल्टीबैगर जो है ये ऑलरेडी हो रही है, और आज ले लेंगे ना, आज इसके बारे में सोचेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको फिर ये 2-4 रुपये की कंपनी की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पूरा देखिए, पूरा क्लियर देखिए, तो आपको शायद बहुत अच्छा से ये समझ में आएगा। तो दोस्तों आज का स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, है ना। हम जैसे साड़ी करने जाते हैं तो बहुत अच्छी कंपनी, अच्छी साड़ी देख लेते हैं, लेकिन हम लोग की आदत है और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, अच्छा दिखा। तो यही चीज़ होता है, सभी जानते हैं, है ना। तो नाक के नीचे बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा होता है, तो वही चीज़ है। ये कंपनी है भारत का डिफेंस का रीढ़ है, आप समझ लीजिए, भारत का डिफेंस का रीढ़ है ये कंपनी है, तो भारत सुरक्षित है। अब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बात बोल दी आपको, भारत में ऐसा कोई सा भी डिफेंस, ऐसा कोई से भी एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, अग्नि से लेकर दुनिया भर का जहाँ जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कंपनियाँ चलाती हैं। अब इस कंपनी में जैसे आप देख रहे होंगे, पूरा देखते जाइए, आपका एरोप्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर जितना भी आप देख रहे होंगे ये सभी ये कंपनियाँ बनाती हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले तो आपको इसके बारे में तो ज़्यादा तो आपको देख रहे होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये आपका आप देखिए स्ट्रक्चर देख रहे होंगे पिक्चर में, 2154 रुपये। ये तो बीच में अभी स्प्लिट हुआ, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको मोटा मोटा इस ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप बताइए। ये लगभग 2018-19 के बीच में चालू हुआ था, ठीक है। ये लगभग 768 रुपये के हिसाब से चालू हुआ था, आज 2100, 3 गुना, 3-4 साल में 3 गुना। कौन देता है भाई, बैंक में FD कराने लगा तो 7% 6% में तो नानी याद आ जाती है, उसमें भी 30% का ब्रेक लगा के कुछ मिलता नहीं है। ये शेयर है, ये कभी अब बताया मेरे बात में विश्वास मत, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये सरकारी कंपनी, कभी डूबेगा जी? नहीं, कभी नहीं डूबेगा। ये कंपनियां मतलब कि ना, हम लोग तो या तो बोलना चाहिए कि जानते हैं, और कई बोलते हैं कि नहीं जानते हैं, जान के बेअनजान बनते हैं। हमारे पास सोना है, हीरा है, मतलब हीरा ढूंढने के चक्कर में सोना भी चले गए। रूम में गए तो साला वहाँ पर पता चल रहा है, भोजन करने गए वहाँ पूरी भी नहीं मिली, बाहर आ गए तो चप्पल भी चोरी हो गए। तो हम लोग की मोटा मोटा सबकी परिस्थिति ऐसी है। अभी देखिए एक HAL ने सैफ्रन एयरक्राफ्टिंग साइन किया है, MOU किया है, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रिंग फॉर्जिंग कमर्शियल ने। तो ये चूँकि सरकारी कंपनियाँ और दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सब देश के साथ ये HAL जो है ये आपका MOU करता है। तो ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, ये डिफेंस का स्वतंत्र डिवीज़न है, मतलब ऐसा नहीं सरकारी से अपने, जब से ये जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चालू हुआ है तब से आप मान के चलिए कि ये अपने आप में एक बोलते हैं ना, एक यूनिट बन गया, ये इतना कमाऊँ सेक्टर बन गया है कि इसमें अब आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान एयरनॉटिक लिमिटेड
क्या बनाती है, भारत का डिफेंस का रीड है, भारत का डिफेंस का रीड है। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट लिस्ट देख लेते हैं पहले, है ना। जैसे आपका एयरक्राफ्ट में क्या क्या बनाता है, हॉक एयरक्राफ्ट LCA, है ना। जैसे आपका SU-30 MKI, IJT, डॉर्नियर, HTT-40, ये हेलीकॉप्टर का एयरक्राफ्ट का रेंज है। हेलीकॉप्टर ही बनाता है, तो इंडिया में जितने हेलीकॉप्टर हैं, ध्रुव, चीता, चेतक, लैंसर, चीतल, रुद्रा, LCH, LUH, है ना। तो इसके अलावा ये क्या कर रहा है, फ्यूचर प्रोडक्ट भी बना रहा है, IMRH, UAV, RUV सपोर्ट। तो इस टाइप का आपका फ्यूचर प्रोडक्ट भी बना रहा है। फिर आपका पावर प्लांट में भी आपका बहुत सारे पावर प्लांट भी बनाता है, है ना। उसमें बहुत लंबा लिस्ट है, आप जाके वेबसाइट में देख सकते हैं। मेन टॉपिक जैसे एयरोस्पेस में क्या बनाता है, स्ट्रक्चर्स, टैंक्स, क्रायोजेनिक इंजन। तो कुल मिला के ये इनका प्रोडक्ट लिस्ट है। अब बताइए इंडिया में ये जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट है, इसका कोई बीट कर सकता है, आगे बढ़ेगा ये? अरे भैया ये सब छोड़िए, जीवन में आगे बढ़ना सीखिए। ये सब क्या है, 2-4% के लिए देखेंगे आप। 2018 में अगर 500-600 रुपये में इसको लेके बैठे रहते हैं, आज कितना हो गया भाई, 4 गुना हो गया। और कितना लालच है, आप 8% बैंक में जा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आपको क्या अपेक्षा कर रहे हैं भाई। इससे बढ़िया कंपनी क्या है कि दुनिया, देश की पूरे डिफेंस सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं, और इसमें क्या है, ये कभी नहीं डूबेगी, कभी नहीं डूबेगी। आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब जाएंगे हिंदुस्तान एयरलाइन का, पता चले 20,000 से कम नहीं मिल रहा। जो नेस्ले जैसा शेयर, जो पेज इंडस्ट्री है, पेज इंडस्ट्री नाम सुने होंगे, वो पेज इंडस्ट्री जो जॉकी का चड्डी बनियान बेच के आज कितने हज़ार का, 40,000 का, 50,000 का स्टॉक बन गया है, जो पूरे इंडिया में होलसेल है। ये तो एरोनॉटिक्स है भाई, ये तो स्टार्ट हुआ है, कभी इंडिया पीछे जाने वाली है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनने वाली है, $5 ट्रिलियन बनेगी, तो ये कम से कम 1,00,000 करोड़ का तो इसमें इसको ऑर्डर है इसका पेंडिंग। तो कहने का तात्पर्य देखिए, हमको सोच जो है ना, बहुत संकीर्ण सोच नहीं रखना, हमको एकदम स्पष्टवादी सोच रखना है कि हम कैसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। इसमें अगर मान लीजिए मैं FD कराने जाता हूँ और इस कंपनी में FD कराता हूँ, तो दोनों में साइमल्टेनली जब आप चेक करेंगे तो 5 साल के बाद पता चला ये 3 गुना हो गया है ना। और FD में आपको जो मिलेगा। तो आप करके देखिए, मैं तो सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो आपको सुझाव दे सकता हूँ, ये सुझाव है मेरा, माना नहीं माना आपके ऊपर। लेकिन जब आप अपनी विस्तृत सोच से बाहर निकलेंगे ना, जब विस्तृत सोच से आप ये छोटे मोटे फालतू कंपनियों में देख के, जिसका नाम पता तक हमको नहीं मालूम है, उसमें हम क्यों उतना जी जान लगाएं, जब हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं जो रॉकेट। अरे भाई हमको 100 गुना नहीं चाहिए भैया, 5 साल में हमको 10 ही गुना दे दो, हमको 2 गुना दे दो, क्या बुरा यार। लोग RD करते हैं 5-5 हज़ार, म्यूचुअल फंड में करते हैं 10-12% के लिए, सेफ। मेन कंसेप्ट होता है हमारा सेफ होना चाहिए, भैया डूबे नहीं। म्यूचुअल फंड भी माइनस आता है, लेकिन फिर भी कंपैरिजनली वो सेफ रहता है। तो हिंदुस्तान एयरटेक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की कंपनी है, और ये रॉकेट शेयर है। जितने भी तमाम आप देख लेंगे, इसके न्यूज़ देख लेंगे, इसका देखेंगे, कोई बोलेगा नहीं आपको। मैं बहुत डिटेल में, और मैं मानसिकता पैदा करना चाहता हूँ, मैं लोगों की मानसिकता चेंज करता हूँ। बहुत डिटेल एनालिसिस में जाऊँगा तो फिर मैं भी एक आम आदमी जैसा हो जाऊँगा कि नहीं भाई, अरे ये इसका क्या बोलते हैं, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसमें इतना हुआ, इतना फ्लो। अरे भाई बिजनेस है, गवर्नमेंट का है, ये आते रहेगा, बिजनेस आते रहेगा। मैं एक दूर समावेश सोच रखता हूँ, ऐसी कंपनी करता हूँ, पकड़ के लाता हूँ जो डायमंड है, हीरा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके बारे में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी है। इसमें ज़रूर आप अपने जीवन को, भविष्य को सुखमय बनाने के लिए इसमें करिए, और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अगर इस YouTube चैनल में रहा तो साल भर बाद ही नहीं सही, इसमें मेरे को आप बताइएगा, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि कैसे हैं। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा आपको, हमेशा की तरह आपको आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। आप सब्सक्राइब करिएगा, हमारा छोटा चैनल है, हम इसी तरह खोज के बड़ा मेहनत करना पड़ता है, रेटिंग करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, आपको तो सब मालूम ही है। आपको बहुत अच्छी जानकारी देते रहेंगे, आप बस एक बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ अच्छा लगा, धन्यवाद।